राम राम जी, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज ना एक हमारी गली में कुत्ता है, वो मतलब बहुत परेशान है। उसका जो पीछे वाला हिस्सा है ना, रीढ़ की हड्डी बोलते शायद उसकी, वो टूट चुकी है उसकी। मतलब अब वो चल नहीं पा रहा है बिल्कुल, मतलब इस सिचुएशन में है कि वो चल नहीं पा रहा है। तो अभी दिखाते हैं आपको कहाँ पे वो गली में, फिर उसको रेस्क्यू करवाएंगे किसी से। ये देखो बेरानी भाई, क्या हो रहा है क्या? पत्थर तोड़ दिया किसी ने, दिखता भी कौन है। चल उठा जा, है कौन उठा जा। क्या करने ला रहे हो? वो कुत्ता नहीं है गली में, है उसके लिए रेस्क्यू का नंबर निकाल लो। कितना निकालेगी? गूगल से निकाल रही हूँ। गूगल तो? हाँ, एक नंबर मिला तो है, अभी कॉल करूँगी। गूगल पर नंबर मिल रहा है कुत्ते रेस्क्यू वाले के? हाँ, उन्होंने डाला हुआ है। अच्छा, कितना डे तय होंगे? सही है। हेलो, वो भैया आपको गूगल से नंबर मिला, डॉग रेस्क्यू करवाना था एक। हाँ, जैसे मतलब कल रात को ना किसी ने मतलब उसको हिट कर दिया था डॉगी को, हरियाणा में सोनीपत। अच्छा, आप नंबर बता दो फिर, एक सेकंड। क्या हुआ? वो नंबर बता रहे। नंबर ना था। हेलो, हाँ जी, ठीक है भैया, ओके। उन्होंने ना मतलब दिल्ली वाला बताया कॉन्टेक्ट नंबर, अभी उन्होंने दिया है सोनीपत वाले ने। कितने की देर मार लेंगे वह? अभी इनसे बात होगी तभी तो। ठीक है, इस वाले नंबर पर। साबुत रात हो लिए, कितना परेशान हो गए ना वो। साबुत रात हो लिए थे ना वो करते हैं। अब भैया अभी बात हुई है मनोज भैया से, उन्होंने आपका नंबर दिया है। हाँ, वो भैया हमारे गांव में ना एक डॉग है, तो उसका रेस्क्यू करवाना था, उसके चोट लग रही है, उससे चला नहीं जा रहा। हाँ, बहुत परेशान है भैया, पूरी रात मतलब रोता रहा हो। ठीक है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दूँ आपके पास? ठीक है भैया, से कितना मतलब क्या चार्ज लग जाएगा? ठीक है भैया, कोई मैं एड्रेस आपको भेज देती हूँ लोकेशन के साथ में। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक, ओके। के कौन है? वो बोल रहे हैं कि आप मतलब एक तो उसकी वीडियो भेज दो बना के छोटी सी, क्या कुछ प्रॉब्लम है उसको, और अपनी लोकेशन शेयर कर दो व्हाट्सएप पे इसी वाले नंबर पे। कर दे फिर। पहले उसकी वीडियो बना के लानी पड़ेगी ना, वीडियो बना लाना। ठीक है, लाऊं बना के। जिनसे हमने कॉल पे बात की थी उन भैया ने दो लड़के भेजे हैं, तो अभी ये दोनों उस डॉग को अपने साथ में लेके जाएंगे। तो ये बोल रहे हैं कि इनको एक कट्टा चाहिए,
जिससे ये उसको आराम से डाल के ले जाएं। सबसे पहले तो नहीं है, उसको इंजेक्शन के साथ बेहोश करेंगे ताकि वो इनको काटे ना और उसको ज़्यादा दर्द भी ना हो उठाते समय, इसीलिए अब ये लेके जाएंगे उसको, इलाज करेंगे उसका। दूर हो ये बच्चे, तू तो दूर हो ये बेटा, एक बार इन बेरा है अरे थोड़ा सा थोड़ा ना पढ़ कोने जा, बेचारी कति कन्ने हुई पड़ी है। अच्छा ला दिया आंधी है भैया, दिखता कोने ना बेचारी, उठाना जाता दिखता तो वादी खंगाली थे कौन ना, एक आपके दिखता है कौन है गणेश दान दिए है बड़ा कट्टा नहीं पावो बड़ा तो पड़ गई बड़ा पावो खड़का नहीं पाजा बड़ा कट्टा ए भाई चल बल्ले हम दे ले बटे बटे बोरा भी है प्लास्टिक का है होता है सुती सही है तो बोरी बारी है ना 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 ऐसा कट्टा जो खड़का कट्टा नहीं होता बड़ा बड़ी कट्टी में सतरी है डिया कर ले यार ये मैं चोट मनो रुक जा भाई ले कर लियो आ जाओ ले तू बाहर वीडियो बना दिए भाई सारी यूट्यूब पर घेर देंगे थोड़ा ना कुतिया ठीक कर दी हमारी जवाड़ बैठ जाओ भाई लेकिन दो भाई ने टीका ला दिया है अरे ये कुतिया ठीक हो जाएगी ये ले जाएंगे ये कितना है भाई तुम्हें रोने तो आए ये भला हो भाई थारा भी बेचारी ठीक हो जाएगी तो ले लिया हूँ मैं दूसरा कट्टा ये ईसा ईसा रहता लेने तो खा लेने ये आ गया क्या राल लेगे उसको गाल लेगे उसने इब जा कर मैं बताऊंगे वह तो उसका इलाज करेंगे सारा वो तो हमने ना मतलब आपकी भी घर के आसपास दो जने आ रहे थे वो कट्टे हम गाल ले गए उन्हें तो सबसे पहले उसको बेहोश किया जिससे कि मतलब वो उनको काटे ना क्योंकि उसको ना पूरी रात से बहुत दर्द हो रहा था सच्ची में कोई भी नहीं सोया हमारे घर में कल से पूरी रात कोई भी नहीं सोया तो अभी उसको लेके गए हैं दो जने आए थे और आपके भी आस पड़ोस में कोई होना जानवर और वो परेशान हो तो ना मतलब कहीं से भी सर्च करके गूगल पे आजकल इजीली सबके नंबर मिल जाते हैं तो आपके आसपास भी होना कोई ऐसा जानवर जो परेशान हो तो उसका ज़रूर रेस्क्यू करवाया करो और ये रेस्क्यू करने का कोई चार्ज भी नहीं लेते सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात यही है ठीक है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ओके बाय बाय की तो चोट चाट लाग रही है किसी भी जानवर का और कुछ दिक्कत हो रही है कोई गाड़ी आला आ गया और गाड़ी के नीचे उनने भाई रेस्क्यू करवा दिया करो बूढ़ा वह प्रॉपर रूप से वो इलाज करेंगे उसका और वो ठीक हो जाएगा फिर ठीक है।